रवि मधु कुकिंग में आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य सबको घर पर स्वादिष्ट व्यंजन बनाने के लिए प्रेरित करना है। आगे बढ़ने से पहले कृपया वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बराबर में दिख रही घंटी को भी टच करें, जिससे हमारे हर नए वीडियो का समाचार आपको मिलता रहेगा। वीडियो देखने के बाद यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी अवश्य टच करें। सामग्री की सूची और डिटेल्ड रेसिपी टेक्स्ट के लिए इस बटन को टच करें, या अगर आप लैपटॉप पर इसे देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन को टच करें। आज हम बना रहे हैं मसाला भरवा बैगन आलू, जो एक अत्यंत स्वादिष्ट भारतीय व्यंजन है। छोटे बैगन को चीरा लगाकर कुछ विभिन्न भारतीय मसालों का मिश्रण इनमें भरकर साबुत ही पकाया जाता है। इसके साथ ही आलू की पतली फांकें काटकर पका ली जाती हैं और उसी मसाले के बाकी मिश्रण को बुरक कर भरवा बैगन के साथ ही परोसा जाता है। इसे नान, रोटी या पराठे के साथ परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए 250 ग्राम छोटे या मध्यम छोटे आकार के बैगन ले लें, बड़े साइज के बैगन न लें। एक कटोरी या बाउल में पौनी छोटी चम्मच या स्वादानुसार नमक ले लें। इसमें आधी छोटी चम्मच या स्वादानुसार पिसी लाल मिर्च, आधी छोटी चम्मच या स्वादानुसार गरम मसाला, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और पौनी छोटी चम्मच या स्वादानुसार अमचूर पाउडर भी डाल दें। सभी मसालों को अच्छी तरह मिला लें। अमचूर पाउडर में कई बार गांठें पड़ जाती हैं, उन्हें कुचलते हुए अच्छे से एक साथ मिश्रण बना लें। जब हमने बैगनों में चीरा लगाना शुरू किया तो एक बैगन खराब निकल गया, इसलिए इसे फेंक दिया। बाकी सब बैगनों में क्रॉस यानी प्लस की तरह चीरे लगा लें। ध्यान रखें कि बैगन एक ओर से जुड़े रहें। सभी बैगन में कट लगाकर पॉकेट्स यानी जेब जैसी बना लें। चीरे वाले स्थान से सभी बैगनों में तैयार किए हुए मसालों का मिश्रण भर दें। सभी बैगन अच्छी तरह भर कर बाकी बचा मसाला मिक्सर एक ओर रख लें। अब कढ़ाई या पैन में 2 या 3 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल या घी गर्म कर लें। सावधानी पूर्वक सभी मसाला भरे बैगनों को कढ़ाई में गर्म तेल में छोड़ दें। कढ़ाई को ढक दें और आँच को बिल्कुल कम कर दें। 20 से 25 मिनट तक बैगनों को ढक कर धीमी आंच पर पकाएं। बीच बीच में लगभग 5-5 मिनट के अंतराल पर चिमटे की सहायता से बैगनों की साइड पलटते रहें, जिससे वो सब ओर से अच्छी तरह पक जाएं। बैगनों की ऊपरी सतह पर सिकुड़न पड़ने और अंदर से पूरी तरह गलने तक पकाएं। अच्छी तरह पके हुए बैगनों को चिमटे की सहायता से सीधे परोसने की प्लेट पर निकाल लें। बाकी बचा मसालेदार तेल कढ़ाई में ही रहने दें। बैगन की प्लेट को थोड़ी देर के लिए साइड में या किसी ऐसे स्थान पर रखें जिससे ये गर्म बने रहें। आप इन्हें अपने ओवन या माइक्रोवेव ओवन के अंदर भी रख सकते हैं। कढ़ाई के नीचे आंच को मध्यम तक बढ़ा दें। अब पहले से काटकर पानी में रखी 1 या 2 मध्यम आकार के आलू की फांकों को पानी से निकालकर कढ़ाई में बचे बाकी मसालेदार तेल में डाल दें। आंच को वापस धीमा कर दें और अच्छी तरह चलाकर आलू की सभी फांकों को मसालेदार तेल से सान दें। कढ़ाई को ढक दें और आलू को 6 से 8 मिनट धीमी आंच पर ढक कर पकाएं। बीच बीच में 2-3 बार चलाकर फांकों को पलटते रहें। 6 से 8 मिनट पकाने के बाद जांच लें कि आलू पूरी तरह गल गए हैं या नहीं। अगर नहीं गले हैं तो कुछ मिनट और पका लें। आलू के गलने के बाद बाकी बचा हुआ मसालों का मिश्रण इन पर बुरक दें और इन्हें अच्छे से चलाकर मसाले में एक साथ लपेट लें। मसालेदार आलू की फांकों को भी उसी प्लेट पर भरवा बैगन के बराबर में निकाल लें। स्वादिष्ट करारे भरवा बैगन आलू की सब्जी को गर्मा गर्म नान, रोटी या पराठे के साथ परोसें और आनंद लें। आशा है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। कृपया नीचे दिए लाइक के बटन को क्लिक करें और अपने विचार कमेंट्स कॉलम में अवश्य लिखें। आपका फीडबैक हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।